Bismillahir Rahmanir Rahim, on the demand of Sidra from Jammu and Kashmir. Cosets. Cosets hote hain aur ye do tarah ke hote hain, left coset and right coset. To sabse pehle hum log left coset ki definition dekhenge. Left coset kise kehte hain? Jaise ki hum log jante hain ki ye bhi ek tarah ke set hote hain. Suppose इसकी डेफिनेशन है, सपोज H इज ए सब ग्रुप. हम लोग जानते हैं सब ग्रुप भी एक तरह का ग्रुप होता है ऑफ, और ये किसी ग्रुप का ही होता है, सबसेट होता है. सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ग्रुप G, और जो ग्रुप होता है उस वो चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो ग्रुप होता है. आपको मालूम ही है कि पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो ग्रुप होगा इसका सबसेट और खुद अपने आप में भी वो ग्रुप हो तो सब ग्रुप कहलाएगा. वो एच है सब ग्रुप और ग्रुप है जी. लेट ए बी एनी एलिमेंट एलिमेंट ऑफ जी, यानी जी का कोई एलिमेंट ए है, देन द सेट, तो उस सेट को जो एच के एलिमेंट में ए से मल्टीप्लाई करने पर, अगर ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है यानी ए एच, जबकि एच क्या है, एच ये कैपिटल एच में जो कि सब ग्रुप था उसके एलिमेंट हैं, उनके हर एक एलिमेंट में ए से मल्टीप्लाई करने पर, ए जो कि हम लोग जानते हैं जी का एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट में ए से मल्टीप्लाई करने पर जो ग्रुप मिलेगा उसे ए एच, अगर हमने प्री मल्टीप्लिकेशन किया है, प्री ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही इंडिकेट हो रहा है तो इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन किया. प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस करके लिखा जाता है शुरू में, और ये प्री में लिखा है ए तो इसलिए लेफ्ट कोसेट कहलाएगा. अब इसी से बिल्कुल मिलती जुलती डेफिनेशन है राइट कोसेट की. राइट कोसेट बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है. सपोज एच इज ए सब ग्रुप, एच सब ग्रुप है और हम लोग जानते हैं सब ग्रुप होता है एक ग्रुप का, ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ग्रुप जी. Let A be any element, बिल्कुल सेम लैंग्वेज जो लेफ्ट कोसेट की थी वही ये राइट कोसेट की है. देन the सेट से डिनोट किया जाएगा एच ए से डेफिनेशन में, एच ए एच ए को देखने की राइट हैंड साइड लिखा है राइट कोसेट कहलाएगा. एच के एच जो है वो सब ग्रुप के एलिमेंट, सब ग्रुप जो कि एच है उसके एलिमेंट है तो उसके हर एक एलिमेंट को एच से ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा और ए एलिमेंट है जी का तो उससे जो मिलेगा उसको बोलेंगे इस कॉल्ड ए राइट कोसेट, कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई ए. ये यहाँ पर छूट गया है लास्ट में, ये भी ऐसे लिखा जाएगा इस कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई ए. तो ये डेफिनेशन अगर समझ में दिक्कत हो प्रैक्टिकली तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल एक लेते हैं, इफ़ जी जिसके एलिमेंट हैं 1-1 आई और -i, ये बहुत फेमिलियर एक ग्रुप है, वो एक सेट है जो एक हम से ग्रुप बनाएंगे, इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप. इसे मान लिया कि ये मल्टी
एप्लीकेटिव ग्रुप है ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यानी यूनिटी मतलब वन, यूनिटी मीन्स वन, वन का फोर्थ रूट जब लेते हैं उसकी चार वैल्यू मिलती है, वो चार वैल्यू यहाँ पर लिखी हैं। एंड एच और इनके ही कुछ एलिमेंट, दो एलिमेंट ले लिए वन और माइनस वन, ये है इसका इट्स एनी सब ग्रुप, ये सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इसलिए इसको सब ग्रुप बोलेंगे। देन क्वेश्चन हम ये बना रहे हैं यहाँ पर, फाइंड इट्स ऑल कोसेट्स, ऑल कोसेट मतलब लेफ्ट लेफ्ट के सारे कोसेट और राइट कोसेट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जी के एच के कोसेट्स जो जी में हैं, तो लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट्स इन एच ऑफ एच सॉरी ऑफ एच इन जी। तो सबसे पहले जी का एलिमेंट चार हैं तो वन ले लिया पहले और वन में एच से इंटू किया फ्री में, तो जी एच के जो एलिमेंट लिए थे वन और माइनस वन, तो इसमें जब वन से इंटू करेंगे तो वन आएगा और माइनस वन में जब भी वन का इंटू करेंगे तब भी माइनस वन आएगा, और ये प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यानी वन इंटू वन और वन इंटू माइनस वन, तो दोनों में देख रहे हैं कि वन और माइनस वन आ गया, और ये देख रहे हैं कि कोई और नहीं बल्कि एच है। और फिर इस जी का हम दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं माइनस वन, इसमें एच से इंटू करेंगे तो एच में माइनस वन से इंटू का माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस वन से इंटू का प्लस का वन आ जाएगा। देखेंगे ग्रुप जो सेट होता है उसके एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये भी एच के ही कोल होगा। इससे बाद हमें एक और क्लियर हो रही है कि जो कोसेट होते हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, यानी जितने भी कोसेट्स हम निकालें एच के वो ज़रूरी नहीं सब डिफर करें, एक कुल भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल होंगे या तो डिफरेंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। और देखें कि आई एच का निकाल रहे हैं तो आई का इंटू एच के हर एक एलिमेंट में करेंगे, वन में करेंगे माइनस वन में करेंगे तो आई और माइनस आई हो जाएगा, और फिर हम जी का एक एलिमेंट और रहेगा माइनस आई, इसका भी इंटू करेंगे एच में, और ये हम देख रहे हैं जो एलिमेंट ले रहे हैं जी के वो लेफ्ट में लिख रहे हैं तो ये सारे लेफ्ट कोसेट यहाँ पर बने, माइनस आई का इस एच के पहले वन में इंटू करेंगे माइनस आई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आई, तो ये एलिमेंट को सेट में एलिमेंट का ऑर्डर इमेटेरियल होता है तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो ये आई एच के को ला गया। इस तरीके से देखने चार को सेट हैं लेकिन वो एक्चुअल में चार मिले थे एच के को सेट, लेकिन उसमें से दो तो एक जैसे हैं इक्वल हैं दोनों। अब हम राइट को सेट लिखेंगे, राइट को सेट, राइट को सेट्स ऑफ एच इन जी, तो जिस तरीके से अभी हमने एच जो सेट था उससे लेके जी के पहला एलिमेंट लिया, उसमें दोनों एलिमेंट जी एच के दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया तो देखेंगे वन और माइनस वन मिला यानी एच के ही को लाया। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस वन लिया, इसको राइट में मल्टीप्लाई किया तो राइट की तरफ से करेंगे तब भी देखेंगे माइनस वन और प्लस वन आ जाएगा और ये दोनों एच के ही इक्वल है। अब इसमें राइट से आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच के जो एलिमेंट हैं उसमें राइट की तरफ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वन में करेंगे आई माइनस वन में करेंगे माइनस आई आ जाएगा, और एच इंटू माइनस आई करेंगे तो माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे एच के एलिमेंट में तो माइनस आई होगा, माइनस माइनस प्लस आई बन जाएगा, और ये देखना है कि एलिमेंट वही है ऊपर जो एच आई में निकाले थे लेकिन ऑर्डर बदल गया, तो सेट में ऑर्डर इमटेरियल होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इधर उधर लिख दो तो ये एच आई के ही इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि ये आठ हमें को सेट्स मिले लेकिन उसमें से दो दो आपस में इक्वल भी हो रहे हैं, तो ये को सेट की प्रॉपर्टी और प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं को सेट, लेफ्ट को सेट और राइट को सेट ये पता चला, और जो इसका थ्योरम जो बनती है ये बताती है कि डिफरेंट
कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होंगे और देखेंगे या फिर इनके डिफरेंट ऐसे होंगे कि फिर इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। यानी अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसकी बात करें तो इनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी डिसजॉइंट होंगे। और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो सारे एलिमेंट देखने कॉमन हो गए। तो इसमें ये ख़ास बात निकल के आई कि जो कोसेट्स होते हैं वो या तो आइडेंटिकल होंगे, या अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर वो डिसजॉइंट होंगे या डिफरेंट हो सकते हैं। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो सारे एलिमेंट फिर कॉमन हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर्टी ये भी निकल के आती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग अस।